प्रोडक्शन में कोई कंसिडरेशन अगर नहीं चार्ज किया जाता है तो भी उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है सर, ये तो सर रिलेटेड पर्सन हो गए, तो आपने डिस्टिंग पर्सन भी बताना था। बिल्कुल, डिस्टिंग पर्सन का मतलब ये होता है कि अब क्या जीएसटी लॉ में क्या है दोस्त, कि अगर मान लीजिए मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे को अपनी दूसरी ब्रांच या दूसरा ऑफिस खोलना है किसी दूसरे स्टेट में, तो मेरे को एक नया जीएसटी नंबर उस स्टेट के वहां पर लेना पड़ेगा। तो जो मेरी दूसरी ब्रांच है मैं ही हूँ, वहां का भी मेरा कंट्रोल मेरे पास है, यहाँ का भी कंट्रोल मेरे पास है, पर दोनों को ही जीएसटी के अंदर बोला गया कि भैया हम अलग अलग मानेंगे। अगर आप यहाँ से कोई चीज वहां ले जा रहे हैं तो ठीक है, आप यहाँ पर हमको जीएसटी पे करो, वो सामने वाला ऑफिस जो है जहाँ पर आपका जो भी गुड्स जा रहा है या सर्विस जा रही है, तो हम वो अपना इनपुट क्रेडिट बुक करेगा, फर्दर वो आगे चैन के थ्रू चलता रहेगा। ये बड़ी सरदर्दी वाली चीज थी कि यहाँ पर लेंगे यहाँ पर नहीं लेंगे, तो सरकार ने सारे मुद्दों को खत्म किया, उन्होंने बोला भैया इसको डिस्टिंग पर्सन मान देगा। सर ये तो आपने इंटरस्टेट की बताई, क्या इंटरस्टेट में भी ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल दोस्त, अगर इंटरस्टेट में भी आपको एक ही स्टेट के अंदर दो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ रही है, तो उस केस में भी आपस में उन दोनों को सेपरेट डिस्टिंग एंटिटी, सेपरेट डिस्टिंग पर्सन मानेंगे। ठीक है सर, तो यानी इनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होती है और विदाउट कंसिडरेशन होगी, तो उस विदाउट कंसिडरेशन को भी हम क्या करेंगे, विदाउट कंसिडरेशन के केस में भी हम जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है सर, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं सर। पर्सन विद मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन स्टेट यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इस्टेब्लिशिंग ऑफ सेम पर्सन इन डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। क्रक्स पढ़ो दोस्त, क्रक्स से आपको सीधा क्लियर होगा। दस, इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, इवन इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी इफ देयर आर सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ अफोर्सर प्रिंसिपल, इवन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वन ब्रांच और डिवीजन टू अनदर शुड बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी इफ देयर आर डिस्टिंक्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन इज नॉट लायबल टू जीएसटी। अगर भैया फ्री ऑफ कॉस्ट हम सप्लाई कर रहे हैं किसी अनरिलेटेड पर्सन को, तो फिर जीएसटी के दायरे में नहीं आता। यानी आपने समझा कि रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं, फिर आपने ये समझा डिस्टिंक पर्सन क्या होते हैं, रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक पर्सन फिर आपने समझ लिया, फिर आपने ये समझा कि अगर इनके बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी विदाउट कंसिडरेशन तो उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में मानेंगे, अदर देन रिलेटेड पर्सन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो उसको सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं मानेंगे। पर ये रिलेटेड और डिस्टिंक पर्सन के केस में ड्यूरिंग द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, ये तीसरा पॉइंट जो हम एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाला केस था, इसमें लिटिगेशन क्या हो गया था दोस्त? आपको पता है कि भाई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को तरह तरह की फैसिलिटीज, तरह तरह की एमिनिटीज प्रोवाइड करवाता है। अब यहाँ पर समस्या ये आ गई थी इंडस्ट्री के सामने कि यार तुमने ये तो बता दिया 50,000 से ज्यादा कि अगर हम फ्री ऑफ गिफ्ट या अपने एम्प्लॉयज को देंगे तो आप उसको जीएसटी के दायरे में कवर कर लेंगे, उसको सप्लाई मान लेंगे, पर हम तो इतनी सारी एमिनिटीज देते हैं किस किस को सप्लाई मानेंगे, ये तो हम पागल हो जाएंगे इसके अंदर। तो सरकार को ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत का मुद्दा खड़ा हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए किसी को भैया उन्होंने पूछा, ये सवाल पूछा कि भाई मैं अपने एम्प्लॉय को रेंट कैब गाड़ी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय को घर में रहने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा हूँ जिसे रेंट फ्री एकोमोडेशन बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो मतलब क्या ये सब मतलब जीएसटी के दायरे में सप्लाई में आ जाएगा? तो सरकार को भी चीज समझ में आई। तो वहां पर अगर आप कहते ना इस पूरे क्रक्स एक वर्ड में अगर आप मुझसे पूछे कि सर फिर सरकार ने क्या चीज बोली, सरकार ने ये बोला कि देखिए जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई भी मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के यहाँ एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब लेने आता है, तो उसके साथ एक तरह का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई एम्प्लॉयर द्वारा आपको ये अमेनिटीज या ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। वो अमेनिटीज या फैसिलिटी कल को एम्प्लॉयर नहीं प्रोवाइड करता है तो वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में उनको ले जा सकता है, अपने एम्प्लॉयर को स्यू कर सकता है कि वो चीजें उनको प्रोवाइड करे। तो वो चीजें उन्होंने बोला ये हम सैलरी यानी उनकी सैलरी का पार्ट मानेंगे, यानी ये आपका गिफ्ट नहीं है। इनके अलावा अगर कोई ऐसी चीज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी, जिसके अगेंस्ट एम्प्लॉय के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयर को स्यू कर सके, तो वहां पर उन्होंने बोला इसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर करेंगे। ठीक है सर, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय,
Gift is not defined in the CGST Act, therefore it creates a lot of problem in practical life. After considering the several issues, finally CBC issued press release on 1st July 2017 and giving the clarification on applicability on gift or perquisites by employer to employee. Schedule 1 provides that gifts not exceeding 50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services or both. However, gift more than 50,000 is liable to GST if it is made in the course of furtherance of business. Meaning of gift of common parlance, gift is made without consideration, is voluntarily in nature and is made occasionally. It cannot be demanded as a matter of right by the employee, and the employer cannot move a court. Employee cannot move a court law for obtaining a gift. मतलब वही बात सारी बात बोली गई कि भैया इसके अंदर वो नहीं है कि employee तुम court में जाके अपने employer को sue कर सकते हो कि आप हमारे लिए facilities या amenities हमको provide करें. वो voluntary दे रहा है तो उसको 50,000 के दायरे के अंदर cover किया गया. ठीक है सर. सर ये तो ये related person का भी समझ में आया सर. आगे क्या है सर? इसके दो point हो रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं फिर हम आप आगे चलते हैं. Supply by the employer to the employee in terms of contractual agreement entered into between the employer and the employee will not be subjected to GST. Bilkul sir. The input tax credit scheme under GST does not allow ITC input tax credit of membership of a club, health and fitness center if such services are provided free of charge to all of the employee by the employer, then the same will not be subjected to GST provided appropriate GST was paid when procured by the employer. वही वाली सारी बात यहाँ पर यही बोली गई. यहाँ पर ये बोला गया कि देखो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम ये कहती है कि अंडर एक काम कर इसको भी हम फर्दर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि तो अभी फिर वो ITC वगैरह की बात आ जाएगी तो आपको बाद में कंफ्यूजन होगी. बाकी पढ़ा देता हूँ एक बार फिर क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे सर अभी आ गया तो इसको डिस्कस ही कर लो. तो यहाँ पर ये कहते हैं दोस्त, इसको ध्यान से देखिए. द इनपुट टैक्स क्रेडिट स्कीम अंडर GST डज नॉट अलाउ input tax credit of membership of club, health and fitness center if such services are provided free of charges to all employees by the employer, then the same will not be subjected to GST. उन्होंने बोला कि भाई तुम कुछ ऐसी सर्विसेज ले रहे हो अपने employees के लिए जो कि contractual agreement का पार्ट है, उसके अंदर आप input का credit भी book कर रहे हो और हमने और आप हमको ये बोल घुर्रा भी रहे हो कि जिसको GST में मतलब 50,000 के limit में मत cover करो. सर ऐसा है फिर तो आप कायदे में ही लो. सर कायदे कैसे रहने, कायदे इसलिए रह लो कि जब आप एक बार बताओ, आप तो कह रहे हो कि हम क्लब अमेनिटीज वाले की जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पर हमको कोई मतलब किसी भी तरह का हमको बेनिफिट नहीं हो रहा, पर उसका जो आप क्लब वगैरह को पेमेंट कर रहे हैं उसका जो टैक्स आ रहा लग के आ रहा है उस टैक्स का आप इनपुट भी बुक कर रहे, मतलब आउट इसको एक तरह से आप सप्लाई भी नहीं मानना चाहते और दूसरी तरह से उसका इनपुट भी बुक कर रहे. तो सर ने सरकार ने बोला ऐसे नहीं होगा भाई काम, आप इसको इसके केस में आपका इनपुट का टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. ठीक है सर. एक होते हैं दोस्त प्रिंसिपल एजेंट, क्योंकि प्रिंसिपल एजेंट के अंदर आप जानते हो कि एक तरह का रिलेटिव जैसे रिलेशन रहता है, तो यहाँ पर भी सरकार को लगा कि ये प्रिंसिपल एजेंट वाले केस में भी बड़ा झोल रहता है, भाई एक काम करो इसको भी कवर करो कि अगर ये प्रिंसिपल और एजेंट के केस में कई बार गुड्स आता है सीधा आ जाता है एजेंट के पास, फिर कई बार डायरेक्टली एजेंट के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है, वहाँ पर आप कोई कंसीडरेशन चार्ज नहीं करते. उन्होंने बोला जी ऐसा है, ये भी झोल चलता रहेगा, इस झोल को भी खत्म करो. उन्होंने बोला यहाँ पर भी भैया हम क्या करेंगे, अगर आप प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी हो रही है जिसके लिए आपने कोई कंसीडरेशन या सेपरेट कंसीडरेशन नहीं चार्ज कर रखा है, तो भी हम उसको GST के दायरे में मतलब सप्लाई मानेंगे. सॉरी, उसको क्या मानेंगे, सप्लाई. देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट विदाउट कंसीडरेशन where the agent undertake to supply such goods on behalf of the principal is considered as a supply. बेशक से उसके बाद एजेंट सप्लाई करे आगे, मतलब वो उसके बाद एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेचने की, बट हम ये मानेंगे कि भैया तुमने उन एजेंट के पास भी माल बेचा है ना, अपना भेजा है ना, फ्री ऑफ चार्ज भेजा है ना, विदाउट कंसिडरेशन भेजा, फिर भी हम सप्लाई मानेंगे इसको. तो दोस्तों जैसा हम देख रहे थे कि यहाँ पर इन्होंने क्या एजेंट के केस में क्या था, शेड्यूल 1 पढ़ रहे थे हम. शेड्यूल 1 में हमने कहा था कि भाई
प्रिंसिपल और एजेंट भी एक तरह से क्या होता है कि एक रिलेटिव की तरह ही होते हैं। यहाँ पर भी सरकार को लगा कि झोल हो सकता है इस ट्रांजेक्शन के अंदर भी, तो सरकार ने बोला कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई भी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई करता है, एजेंट प्रिंसिपल को कोई भी सप्लाई करता है विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में भी हम उसको क्या कहता है, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन के बीच में कोई सप्लाई कह लो या बेसिकली अब ये ट्रांजेक्शन कह लो, तो उस ट्रांजेक्शन को भी हम क्या मानेंगे, एक तरह की सप्लाई मानेंगे। मतलब उसको जीएसटी के दायरे में कवर किया गया, ना कि ये नहीं कहेंगे कि विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है तो यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो मैंने इसका पॉइंट वन आपको बता दिया था कि पहले पॉइंट में था कि जो प्रिंसिपल है वो एजेंट को ट्रांसफर कर रहा है, और पॉइंट दो में क्या है कि सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल विदाउट कंसिडरेशन वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। Only supply of goods is covered here. मतलब एजेंट के केस में सिर्फ सिर्फ किसको कवर करते हैं दोस्त, फर्क सबने बताया कि सिर्फ और सिर्फ गुड्स को कवर करेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑल्सो सप्लाई। ठीक है, अगर हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की बीच बिटवीन एजेंट के बीच, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में विदाउट कंसिडरेशन, उसको भी सप्लाई मानेंगे। और इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर दो केस है दोस्त। एक तो केस इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर, वहां पर मैं भी आपको पढ़ा दूंगा, वो भी यही डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ा मैं वहां दूंगा। वहां पर इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के अंदर देखो हमने एक चीज पढ़ी है कि भाई कोई भी सप्लाई तभी जीएसटी लगेगा अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगी। बट इन्होंने बोला कि अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं पर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी है, यानी पर्सनल नेचर की भी होगी, तो भी आपको जीएसटी की लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी, मतलब जीएसटी उस पर भी लगेगा। यानी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अगर फर्दरेंस या आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कंसिडरेशन आप चार्ज कर रहे हैं, तो आप पे जीएसटी लगेगा। बट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर एक और एक्सेप्शन कंसिडरेशन के अंदर यह है कि अगर आप इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज ऐसे एंटिटी से कर रहे हैं जो कि आपकी रिलेटेड है, तो आपकी कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी हम आपको क्या बोलेंगे, तो भी हम ये बोलेंगे कि आप जीएसटी के दायरे में आएंगे। यानी बेसिकली समझिए सर, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर क्या क्या केस हो सकता है। बेसिकली पहला केस ये हो सकता है, बहुत गौर से सुनिएगा, पहला केस आपने इम्पोर्ट किया, आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो भी जीएसटी लगेगा, पर वहां क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा केस आपने इम्पोर्ट किया पर आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मान लेते कि आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है पर आपने रिलेटेड पर्सन से परचेज किया विदाउट कंसिडरेशन, तो भी जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने विदाउट कंसिडरेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, विदाउट कंसिडरेशन में इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि अगर रिलेटिव से हमने, हमारे रिलेटेड पर्सन है जिससे हमने इम्पोर्ट किया है, तो उस केस में हम जीएसटी के दायरे में, मतलब वो सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी, या वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी हम उसको सप्लाई के दायरे में कवर करेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, import of services by taxable person from a related person or from his establishment located outside India without consideration is considered as furtherance of business shall be treated as supply। यहाँ सोचिए दोस्त, सॉरी यहाँ पर एक चीज मैं आपसे गलत बोल दी, यहाँ पर यह कह रहा है कि furtherance of business होना चाहिए। अगर आप related हैं without consideration pay कर रहे हैं तो furtherance of business देखेंगे, अगर आप related नहीं है, ठीक है सर, एक मिनट लगेगा, आप चार्ट के थ्रू समझा दीजिए। ठीक है दोस्त, इसको चार्ट के थ्रू देखिए। देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस में दो केस आया, एक तो हमारा रिलेटेड से, यहां पर हमने कोई कंसिडरेशन नहीं पे कर रखा, एक नॉन रिलेटेड। नॉन रिलेटेड में बोलता है कि अगर ये आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी है तो भी इस पर जीएसटी लगेगा, और यहाँ पर कंसिडरेशन होना जरूरी है, यहाँ पर कंसिडरेशन होना जरूरी है। पर यहाँ क्या बोला कि आपने रिलेटेड पर्सन से इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की है, यहाँ पर कंसिडरेशन मैटर नहीं करता, पर यहाँ पर मैटर क्या करता है कि ये आपके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। दोनों में फर्क किस चीज का है दोस्त, दोनों में फर्क आया बिजनेस का, यानी यहाँ पर बिजनेस मेन मैटर नहीं है, यहाँ पर बिजनेस मेन मैटर, यहाँ पर बिजनेस जो है बिजनेस मेन मैटर करता है अगर आप रिलेटेड से करते हैं, यहाँ पर बिजनेस मैटर नहीं करता, यहाँ पर मैटर क्या करता है कंसिडरेशन, और यहाँ मैटर नहीं करता कंसिडरेशन। ठीक है सर, सर ये इतना बेकार राइटिंग में क्यों लिखा दोस्त, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है उस वजह से ना हाथ थोड़ा चल नहीं रहा, जाम हुआ पड़ा बिल्कुल सर। सर फिर भी आप शर्ट में बैठे, ठंड हो रही है,
दोस्त पूछो मत, अचानक से यार ज़्यादा ही कुछ पड़ गई वो, बट कोई नहीं, क्लास रिपोर्ट करनी थी। अच्छा दोस्त, यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे, ये हमारा हो गया, इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गया दोस्त, यहाँ तक ही हमारा पॉइंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और वहाँ पर वो भी पढ़ के देख लेते हैं एक बार, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ये वाला पॉइंट हमारा, कि क्या कहता है कि अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हुई फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर हमारा कंसिडरेशन हुआ और चाहे हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और ये हमारा आ गया टैक्सेबल पर्सन, क्या होता है दोस्त, टैक्सेबल पर्सन होता है, ए टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22, ठीक है, और इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर आएगा वहाँ पर कर लेंगे। और लास्ट टॉपिक है दोस्त, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि कैमरे की बैटरी जाने वाली है, बीच में भी चली भी गई थी, और ये दो थोड़ा सा टॉपिक बचा है, तो इसको मैं थोड़ा जल्दी फास्ट करके आज की क्लास का टारगेट हम खत्म कर देंगे। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और सर अगर बीच में क्लास बंद हो जाती है तो आप समझ लीजिएगा, अब ये आपको जो भी बचेगा यानी ये डेढ़ पेज या एग्जाम्पल तक का, यहाँ तक का, ये फिर आप सेल्फ कर लीजिएगा, नहीं आज की क्लास का जो टारगेट था वो यहाँ तक का वो खत्म हो जाएगा, यानी एक पेज यहाँ पर है। मतलब ये सबसे पहली बात ये बोली गई, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी आपकी सप्लाई बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। बिजनेस की डेफिनेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके, बिजनेस से रिलेटेड होगी, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, सप्लाई पर्सनल नेचर की है, तो फिर उस पर GST नहीं लगता, ठीक है सर। इन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द टर्म्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ बिजनेस, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बिजनेस एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 217 ऑफ द GST एक्ट, इंटर एलिया इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन एक्सेट्रा, वेदर और नॉट अंडरटेकन फॉर मॉनिटरी बेनिफिट्स, चाहे वो मॉनिटरी बेनिफिट्स से हो या ना हो, वो हमने बिजनेस के अंदर पहली कंडीशन ही पढ़ी थी। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन विच इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द अफोरमेंशन लिस्टेड एक्टिविटी, इन एडिशन एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी विच दे आर एंगेज इन एज अ पब्लिक अथॉरिटी शैल ऑल्सो बी कंस्टिट्यूट एज अ बिजनेस। दोस्त हमने वहाँ पर पूरे बिजनेस की डेफिनेशन में सारा जो एस्पेक्ट था, यहाँ पर जितना भी है, सारा हमने उस डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि सब बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है। अब क्या कहते हैं, यहाँ पढ़िए दोस्त, GST इज अप्लीकेबल ओनली ऑन द कमर्शियल ट्रांजेक्शन, यानी पर्सनल नेचर की ट्रांजेक्शन पर GST अप्लीकेबल नहीं होगा। इफ ट्रांजेक्शन इज मेड इन द एनी सप्लाई मेड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज पर्सनल कैपेसिटी डू नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ GST अनलेस दे फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, जब तक वो बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं कवर होगा तब तक उसको हम नहीं मानेंगे। बट यहाँ पर क्या बोला कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की कंडीशन कहाँ अप्लाई नहीं होगी, वहाँ अप्लाई नहीं होगी जब वो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होगी प्लस वो कंसिडरेशन का केस होगा, तब वहाँ पर हम क्या मानेंगे, तब वही बेशक वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगी, पर्सनल नेचर की भी होगी, तो भी आपका GST लग जाएगा, ठीक है सर। ये नोट में ये बात लिखी हुई है, नोट यहाँ पर दिखा देता हूँ, देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इज दैट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, कहते हैं सिर्फ देर इज सॉरी नोट नहीं है सॉरी देर इज अ वन एक्सेप्शन ऑफ इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या है, इज दैट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, अगर हम इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं कंसिडरेशन पे करके, सिर्फ एक लौती यही एक्सेप्शन है इसकी, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं है। और एक हमारा कंसिडरेशन में भी इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, फिर बता रहा हूँ वो कंसिडरेशन में इम्पोर्ट ऑफ सर्विस क्या है, कंसिडरेशन मतलब जिस केस में कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी आपको क्या कहते हैं, तो भी हम उसको सप्लाई मान लेंगे, वो तब है जब वो आप जिससे इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जो कर रहे हैं वो आपके रिलेटेड पार्टी होनी चाहिए, ठीक है सर। सर ये एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, शाहरुख खान ए फेमस एक्टर पेंट सम पेंटिंग एंड सेल्स देम, The consideration from such sale is to be donated to a charitable trust, a kind human. The sale of painting by the actor qualifies as a supply even though is one of them occurrence. ये मैंने same example जब class starting में जब हम वहाँ पर discuss करे तो बताया था कि main चीज़ यहाँ पर शाहरुख खान की जो painting लोग खरीद रहे हैं
वो उनके एज ए एक्टर है, वो इसलिए उनकी पेंटिंग हाई रेट पे खरीदेंगे, अदरवाइज वो एक तरह से मेन उनका बिजनेस नहीं है, एंसिलरी है, तो इसलिए भी इसको सप्लाई माना जाएगा। दूसरा क्या है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द रेजिडेंट इन लीव ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस, प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर स्टेटेड एज सप्लाई एज दिस इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बोला था कि अगर वहां पर सेपरेट कंसिडरेशन, अगर वो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे और चार्ज करके अपने मेंबर्स को जो ये सर्विसेज देती हैं तो वहां पर कंसिडरेशन होना चाहिए। तो कंसिडरेशन अगर होगा तो फिर उसको हम सप्लाई की डेफिनेशन में कवर करेंगे। तो कंसिडरेशन होगा तो उसको बिजनेस की डेफिनेशन में कवर करेंगे, और अगर बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा तो फिर वो आपके जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। ओके दोस्त, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया, नींद ज़्यादा आ रही है, इस वजह से थोड़ा सा पॉइंट ही मिस हो रहे हैं। ऑलरेडी सुबह के 5 बज गए, रात 2 बजे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। तो फाइनली हम यहाँ पर अपनी क्लास ओवर करते हैं दोस्त, और इसके बाद हमारा जो इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, इम्पोर्टेंट है, वो हिस्सा बचेगा। यानी आप मान लीजिए कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, देन इसके बाद हम चार्जिंग ऑफ टैक्स, चार्ज ऑफ टैक्स जो हमारा चैप्टर 3 है वो स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्त, जय हिंद, जय भारत।